मध्यकालीन इतिहास में हम आज खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केकुबाद गद्दी पर बैठा, पर वह अत्यंत विलासी था। इसी का फायदा उठाते हुए अमीरों के एक गुट के नेता मलिक फिरोज ने केकुबाद की हत्या की और राजगद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से बैठा, जो 1290 से 1296 तक बैठा था। उसने 6 वर्षों तक शासन किया और तकरीबन 70 वर्ष की उम्र में वह सुल्तान बना था। केकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और बलबन के शासनकाल में वह एक सैनिक के रूप में नियुक्त हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता एवं अपने विरोधियों के प्रति उदार रवैया था। इसका एक विरोधी मलिक छज्जू ने कड़म में विद्रोह कर दिया और स्वयं को वहां का सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन ने इसे हराया लेकिन इसे माफ़ कर दिया। जलालुद्दीन के भतीजे एवं दामाद और कड़ा का गवर्नर अलाउद्दीन, जिसका मूल नाम अली गुरशप था, ने देवगिरी के राजा चंद्रदेव पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन को इसने इसकी सूचना नहीं दी और अंततः धोखे से जलालुद्दीन को मरवा दिया और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का राजा घोषित कर दिया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर विराजमान हुआ। अलाउद्दीन के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।